सुन लो काम की, यहां से बैठ लो। आदरणीय सम्मानित मंच, इस खाप पंचायत के अध्यक्ष जी और समस्त खाप के चौधरी, थांबेदार, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी बहने, देखो खाप पंचायत के बारे में युगवीर सिंह ने बताया और आप सब लोग भी जो ये यूनियन चली है, इसको खाप पंचायत चलाती है, जो किसान संगठन चलाती है ये खाप पंचायत चलाती है। जब दिल्ली में आंदोलन रहा तो खाप पंचायतों की मदद मिली, जब पंजाब से लोग आए उनको रोकने की कोशिश करी गई तो पूरी हरियाणा की खाप पंचायतें खड़ी हुई और उन लोगों को आगे जाने का रास्ता दिया, सरकार से मुकाबला करा। आज भी यहां पे किसान संगठन हो या यहां की व्यवस्था संभालनी हो या यहां पे कन्या भ्रूण हत्या का मामला हो या यहां पे दहेज प्रथा के मामले हो, जब जब भी कुरूतियां बढ़ जाती है तो खाप पंचायतें आगे आती है। आज भी सरकारें आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। ये सरकारें भूल गई के जो आंदोलन खड़ा हुआ तो बिजली से आंदोलन खड़ा हुआ था, जब 18 रुपए से 22.5 रुपया बिजली का रेट हुआ था, 18 रुपए से 22.5 रुपए बिजली का रेट हुआ था तो यही खाप पंचायत से आगे आई थी, क्योंकि खाप पंचायत के लोग सब खेती बाड़ी से करने वाले लोग हैं। और कर्मखेड़ी आंदोलन हुआ था उसके बाद में सरकारें बहुत आई, किसी ने मीटर लगाने की हिम्मत नहीं करी। मीटर लगा रहे हैं बगैर किसान की सहमति के, मीटर नहीं लगेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मीटर लगाने की पॉलिसी क्या होगी, क्या मीटर लगाने की पॉलिसी जो उत्तराखंड में इनकी सरकार है वह पॉलिसी रहेगी या हरियाणा के अंदर जो 15 रुपए हॉर्स पावर रेट है यहां पे 175 रुपए है हरियाणा वाली पॉलिसी रहेगी, क्या जो अपने घोषणा पत्र में चुनाव के समय में दिया था कि किसान को बिजली फ्री देंगे वो पॉलिसी रहेगी, क्या पॉलिसी वो रहेगी कि हम आधा रेट करेंगे वो पॉलिसी रहेगी? सरकार को जवाब देना पड़ेगा इसका। कोई ये दबाएगा नहीं ये क्षेत्र, आप पर्चे दर्ज करके आप दबाने का काम करते हो, आप किसान संगठन के लोग या जो उन पार्टी से अलग लोग आप दबाने का काम करते हो, इस क्षेत्र को आप जितना दबाओगे ये उतना ही सामना करेगा, ये क्षेत्र रिएक्ट करता है। अगर आप इसको चोट करेगा, ये हमला करेगा, ये सरकारें कान खोल कर सुन रहे, फिर आप दबा नहीं सकते किसी को। ये किसान आंदोलन को आप दबाने की कोशिश नहीं करना, हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, ये हमारी कमजोरी रही। हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, वे बातचीत करें, हम तैयार हैं, हमारे लोग जाएंगे बातचीत करने। आप जबरदस्ती नहीं होगा ये मीटर, अगर आप जबरदस्ती करोगे कि घर में लगा हुआ भी मीटर उखड़ के थाने में जमा होगा, ये कान खोल कर सुन लो। आप पॉलिसी बताओ कि पॉलिसी क्या है, बहुत देश में बिजली फ्री है, दिल्ली में बिजली फ्री है, आप उनकी पॉलिसी जानते हो कि 300 यूनिट फ्री करेंगे, हम किसान की बिजली फ्री करेंगे, आप मीटर लगाते हो और किस किस तरह से छापे डालने जा रहे हैं, एक कक्ष से 2 करोड़ 5 लाख रुपए का पेनल्टी उनको डाल रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है, एक पंचायत बिजली के उसमें होगी, जो जो लोग भी त्रस्त है ये पंचायत होगी, यहां पर निर्णय लेना उसका, सब लोग आना, मुकाबला होगा, कहना मुकाबला, जब तक एक संघर्ष सरकार से नहीं होगा सरकार दबाने का काम करेगी, उसके लिए तैयार रहना। अगर आप दब गए तो सरकार दबाती रहेगी, आपको खत्म करने की पॉलिसी है। ये सरकार तोड़फोड़ की राजनीति करती है,
ये उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवाती है, ये हरियाणा में जाके जाट और नॉन जाट की राजनीति करते हैं, ये गुजरात में जाके पटेल और नॉन पटेल की करते हैं, ये महाराष्ट्र में जाके मराठा और नॉन मराठा की बात करते हैं, इन्होंने जाके सिख समाज हमारे साथ में जुड़ा, इन्होंने जाके पंजाब में सिख और हिंदू की बात करी है, इनसे मुकाबला करना पड़ेगा, केड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आदमी अमर होने के लिए नहीं आया, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, ये जमीन ने बचाई, आपकी जमीन ने छीनने का प्लान है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी खाप पंचायत के निर्णय है जो आपने सुनाए हैं, जो यहाँ पे बताइए, कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण, यहाँ पे जो पेड़ लगाने हैं वो हमारी प्राथमिकता है, बड़े टोशन नेशन का ये हमारा प्रोग्राम है, मिलिट्री की भर्ती नहीं आ रही थी, हमने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा, उनको बताया, उनका धन्यवाद भी हम देते हैं कि उन्होंने भारत सरकार ने ये कहा कि हम 5 साल की भर्ती पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ये नौजवानों के लिए है कि भारत सरकार ने बात सुनी, जो मिलिट्री की भर्ती थी जो रुकी हुई थी उसको अगर लेकर आ रहे हैं तो हमारे जो नौजवान हैं वे उसमें जाने का काम करेंगे। लेकिन वे उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझा दें कि डराने का काम ना करें, बातचीत से रास्ता निकाल लें। दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे, सीड पॉलिसी है, ब्राजील के अंदर जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है 3 आदमी पर जमीन है, यहाँ पे भी वही पॉलिसी लेकर आएंगे। यहाँ पे बिजली की लाइनें लग रही है, बनेडे के लोग यहाँ पे हैं सांगली, और इसमें जो बड़ी लाइनें लग रही है कोई अपने वहां पे खंभे नहीं गढ़वाएगा, किसी के खंभे नहीं गड़ेगा जब तक पॉलिसी तय नहीं होगी। डीएम के साथ में बैठ के सांगली और मुजफ्फरनगर में भी हम पॉलिसी तय करवाएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारे पास में है, ये पॉलिसी भी रहेगी कि किसी के खेत में खंभा गढ़ रहा, आप उसको 40-40 हजार 20-20 हजार रुपए दे दो, कोई खैरात में उसकी जमीन जा रही है, ये नहीं होगा। अरे ये अपना आंदोलन मजबूत रखो, कोई तोड़ फोड़ की बात हम नहीं करते, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, और ये देश जुड़ेगा, आपसे जुड़ेगा। अभी हम और युद्धवीर सिंह यहां से चले जाएंगे, अभी आप अपनी पॉलिसी तय करना, क्योंकि कल हमारी कर्नाटक में मीटिंग है, अभी फ्लाइट है दिल्ली से, और मीटिंग करके कल शाम को फिर हम वापसी आ जाएंगे, परसों बुलंदशहर में मीटिंग है, तो पूरे देश में आपको बुला जाता है, हम मीटिंग करते हैं, पूरा देश आपके साथ में है, इस पर निगाह लगी हुई है कि दिल्ली के आसपास के लोग क्या करते हैं, जो आप आवाज दोगे आपके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है। भूमि अधिग्रहण वाले मामले हैं, बहुत लोग यहाँ पर आ रहे, और हम ये नहीं कि कोई ये समझता हो कि एक पार्टी के खिलाफ है, हम ये गलत है, हम किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम सरकारों की गलत पॉलिसी के खिलाफ है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किसान की जमीन 60 बीघा जमीन नीलाम करने की कोशिश करी तो हम वहां पे भी गए, 7 लाख रुपए के कर्जे में 60 बीघे जमीन नीलाम की, तो हम गए उस किसान की जमीन वापसी दिलवाई, उनकी पॉलिसी खत्म करवाई। हम छत्तीसगढ़ में गए, वहां पर नया रायपुर बस रहा है, वहां पे 27 गांव की जमीन अधिग्रहण करे जा रही है, वहां पे आंदोलन चल रहा, तो हम वहां पे भी गए। और हालात क्या है उत्तर प्रदेश के आप समझ लेना, लखनऊ एयरपोर्ट की जमीन, वहां की हजारों एकड़ जमीन किसान की छिनी गई, 1 रुपया मुआवजा भी नहीं है। उन्हें कहा कि 1942 में ये जमीन अधिग्रहण कर ली थी अंग्रेजी हुकूमत में, जमीन अधिग्रहण करा हुआ कोई देश में कानून नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस कानून को मान्यता है, और उन किसानों की जमीन छीनी गई, 1 रुपया उनको मुआवजा नहीं है। आप भी गलत फहमी में मत रहना, यहाँ पे आंदोलन थोड़ा मजबूत है तो आपको मुआवजा देते हैं, नहीं तो कह देते हैं कि आपकी जमीन को अधिग्रहण कर ली और यहाँ पर नहीं है कुछ भी। ये एक लाइन निकल रही है दिल्ली से देहरादून, उसमें बहुत गांव की जमीन जा रही, बागपत में टीकरी ये गांव है एक किस्म से, उन्हें कहा कि यहाँ पर 2 गुना मुआवजा मिलेगा, दूसरी जगह 4 गुना मुआवजा मिलेगा, सर्कुलेट बढ़ा नहीं। तो ये गुंडागर्दी है, सरकार पूर्ण रूप से गुंडागर्दी पे है,
पुलिस प्रशासन के दम पर दबाने का काम करा जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक शाहपुर बसी में सलीम, उसके तीन लड़के झुट्टू कहेंगे जेल भेज देंगे। ये हालात और जगह भी है, तो एक आदमी को दबाने का काम करेंगे तो एक आंदोलन आपका जरूर होगा। बड़े आंदोलन की आपको तैयारी करनी है। 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर खत्म कर दिया, आप बेच कर देखना 10 साल पुराना ट्रैक्टर, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होगा ना वो बिकेगा। कौन आदमी है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर हर साल 10 साल में कौन ट्रैक्टर दे सकता है कोई? तो ये बहुत सी पॉलिसी है, इन पॉलिसी का हम विरोध करेंगे। जब तक ये पॉलिसी ठीक नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। खाद पंचायतों का समर्थन ऐसे ही इस आंदोलन को मिलता रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी खाद पंचायत और थम्मेदारों का कि वे इस मिशन को आगे लेकर बढ़े। और ये जो भारतीय किसान यूनियन है ये आपके बढ़ाए हुए पद चिन्हों पर चलने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खाद पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद।